दोस्तों आज अपन जो चर्चा करेंगे वो वर्गमूल में आने वाली कुछ समस्याओं की बात लेते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिखता है तो हम देखते ही छोड़ देते हैं कि भाई हमें समझ में नहीं आएगा, पर ऐसे क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से कर सकते हो। यानी चंद सेकंड में आप पर्सन देखो उत्तर बताओ मेथड होना चाहिए। इसके लिए कुछ बेसिक बातें ध्यान रखिए जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक रहेंगे तो आप 8-10 क्वेश्चन के टाइप हैं आराम से अच्छे से सीख जाओगे। जैसे पर्सन में लिखा है कि 15 + 6√6 या 6√6 का वर्गमूल क्या होगा, तो कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जाता है जैसे 15 + 6√6 का ऊपर पावर लगा दिया जाता है 1/2, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देते हैं जैसे 15 + 6√6 के ऊपर वर्गमूल का निशान लगा दिया जाता है। तो क्वेश्चन तीन रूप में मिल सकता है, जैसे एक तो ये लिखा हुआ है जैसे 15 + 6√6 को वर्गमूल क्या होगा, या फिर इसके ऊपर पावर 1/2 लिख दे 1/2 लिखे या इसके ऊपर रूट का निशान लगा दे। अब ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है, आप अच्छे से जानते हैं कि जैसे a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका पास a² + b² + 2ab होता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, सब जानते हैं। अगर यही चीज रूट में होती और यहाँ पे रूट ए और रूट बी होता और इसका आपको होल स्क्वायर करना है, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए की स्क्वायर मतलब इस रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए आ गया, और अगर आप रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास बी आ गया +2, और ए की जगह आपके पास रूट ए है तो रूट है ए और रूट है बी, अर्थात आपको जो क्वेश्चन इसमें मिलता है वो इस रूप में मिलता है। यानी a + b कोई डाटा होगी, कोई नेचुरल नंबर होगा वो जुड़ा हुआ मिलेगा, इसके बाद 2√ab रूप में मिलेगा। अर्थात अगर हम a और b के टुकड़े कर दिए अलग अलग और उसका स्क्वायर करके देखें तो इनका एड इस संख्या के बराबर हो। जैसा कि इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा टाइम लगेगा फिर आसानी से कर लोगे। जैसे आपको पता है कि ये वाली जो डाटा है 6√6 ये किसके बराबर है, ये आपका 2√ab के बराबर है। मतलब ये डाटा किसके बराबर है, ये डाटा आपकी 2√ab के बराबर है, और इसका मान है आपके पास 6√6 है। तो सबसे पहले तो क्या निकालना है आपको, ए बी निकाल लेना है, इसमें रूट ए और रूट ए बी का मान निकालो। जैसे 2 का भाग लगा दिया और 2 का भाग लगाया तो क्या आया, रूट है ए बी, और रूट ए बी का मान निकाले तो 2 का भाग दिया तो कितना है 3√6 आ गया। अब आपका सवाल सोल्व हो गया, बस आपको इतना ही करना है कि इसमें 2 का भाग लगा के इसको छोटा कर लेना है। 2 का भाग लगाया, छोटा किया तो 3√6 आ गया। अब क्या करना है, इसके 2 टुकड़े करने, 3 और √6 के। अब 2 टुकड़े किए, जैसे आपके दिमाग में कई टुकड़े आते हैं तो कई टुकड़े होते हैं तो कई क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपके दिमाग में आया सर हम पहला अगर 3 बना लें और दूसरा हम √6 बना लें तो क्या होगा, इसका मतलब आपने ये आपके पास √a है और ये आपके पास √b है। अगर हम देखो यहाँ पे इसके बाद ये देखिएगा, ये जो मान है ना आपके पास ये a + b है, योग है a + b, यानी √a और √b का a कब आएगा, जब इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर कर देंगे, जब आप इसका स्क्वायर करे हो तो क्या आ गया a, और जब इसका स्क्वायर करे हो तो क्या आ गया b, अर्थात इसका स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 9 और इसका स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 6। भाई √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, और इन दोनों को जोड़े तो कितना आ गया आपके पास 15। इसका मतलब आपका ये टुकड़ा बिल्कुल राइट है, तो यहाँ पे 15 आ रहा है। अब 15 है तो आंसर कैसे निकालोगे, अब आंसर निकालने का एक तरीका देखिएगा। जैसे √a + √b का अगर आपने होल स्क्वायर बना दिया और इसका आपको वर्गमूल निकालना पड़े तो वर्गमूल होता है √a + √b, यही तो आपका आंसर होता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस हो जाता है। अब इसका आंसर देखेगा, बिल्कुल बहुत आसान सा है,
आपको ऐसा लगता है कि बड़ा है, नहीं बिल्कुल छोटा है। एक बार सोच लीजिएगा, हर सवाल का आंसर डायरेक्ट ही आएगा। जैसे आपने लिख दिया 15 आ गया, अपन 9 6 15 मतलब पुष्टि हो रही है। अब अगर इसकी पुष्टि हो रही है तो रूट ए का मान क्या था 3 और रूट बी का मान कितना 6। अगर निशान बीच में प्लस का है तो बीच में प्लस का, और आपका जो आंसर आ गया इसका वो है 3 + √6। ये आपका राइट आंसर है। मेरी बात समझ में आई? अगले क्वेश्चन को भी करेंगे तो समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, वीडियो में बने रहो। देखो अगले क्वेश्चन को देखिएगा, जैसे ये लिखा तो मैंने ये क्या कहा कि यहां पे ये जो मान है ये आपके पास a + b है और ये वाला जो मान है वो किसके बराबर है, वो है आपका 2√ab के बराबर है। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? हमने ये इसलिए लिख दिया कि √a + √b का जब हम होल स्क्वायर करते हैं ना तो आपके पास यही आता है, यानी a इसका, अगर आप a की स्क्वायर करेंगे तो a, b की स्क्वायर करेंगे तो b, और फिर प्लस है तो प्लस आयक नहीं है। अब आपको करना क्या है, आप इसमें सीधा ही 2 का भाग दे दो। 2 का भाग देते ही आपके पास ही आ गया 2√3 आ गया, 2√3। देखते जाइए उत्तर बहुत आसान से आएगा, 2√3 आ गया। अब आपके पास ये 2√3 जो आया है ये आया है √a और √b। अब √ab में इसको टुकड़ा करो। आप अच्छे से जानते हो कि जैसे √a हो और √b हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, √ab, और अगर a और b है तो हम इस रूप में लिख सकते हैं। भाई इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, अगर √ab को हम गुणा में लिख सकते हैं तो गुणा को तोड़ भी सकते हैं ना गुणा में। अब क्या किया, आपको इसको तोड़ देना है, यानी √a में और √b में। मान लो कि आपने इसके टुकड़े किए तो एक टुकड़ा कर लिया आपने 2 और एक कर लिया √3। एक तो आ गया √a का मान और एक आ गया आपके पास √b का मान, आ गया ना ये। अब a और b का मान आ गया, अब क्या करना है, देखो कि इसकी पुष्टि हो रही कि नहीं। 2 का वर्ग करें, क्योंकि यहां पे 1 तब आएगा जब इसका a कब आता है, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर किया तो कितना है 4, और इसका स्क्वायर किया तो क्या है b, तो इसका स्क्वायर किया कितना है 4, और दोनों का योग किया तो कितना है 7, अर्थात इसकी पुष्टि हो रही है। अगर इसकी पुष्टि हो रही तो आपका यही आंसर है। अगर चिन्ह यहां पे प्लस है तो उत्तर में प्लस, अगर यहां पे माइनस है तो उत्तर में माइनस। उत्तर यही आ गया था। थोड़ा सा सोचना है कि 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 3 7, अर्थात इसकी पुष्टि हो रही है, तो आपका आंसर आ गया जनाब, आपका आंसर आया 2 + √3। ये आपका राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही? जैसे ऐसे क्वेश्चन को पेपर में छोड़ना नहीं है, देखो उत्तर बताओ मेथड होता है, देखिए और क्वेश्चन करिएगा। अगले क्वेश्चन पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा एक एक चीजों पे। अगले क्वेश्चन में हमने माइनस लिया, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये वाली डाटा है ये आपकी a + b है, माइनस ये आपके पास 2√ab है। अब मैं ये क्यों लिखा, फिर रिवाइज कर रहा हूं कि √a + √b का जब हम होल स्क्वायर करें, होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है a + b + √ab आता है। अगर यह चिन्ह माइनस है तो यहां क्या आ जाता है माइनस। मेरी बात समझ में आ रही? बस आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। अब इतना कर लिया, अब आप सबसे पहले क्या करिएगा, इसमें 2 का भाग दीजिएगा। जैसे आपने 2 का भाग दिया तो आपके पास सिर्फ क्या बच गया, √a और √b, यानी √ab बच गया। अब यहां पे आ गया आपके पास 2 और रूट बच गया 3, 2√3 आ गया। अब 2√3 के टुकड़े करिए, आपके दिमाग में टुकड़े आ रहे हैं तो टुकड़े करेंगे ना, तो टुकड़े किए तो 2 का 1 तो बन गया आपका 2 और 1 बन गया आपका √3। पहले दिमाग में यही आना है। अब 2 का वर्ग किया कितना है 4 और 3 का वर्ग किया है कितना है 3, 4 और 3 कितने 7, जबकि हैं कितने यहाँ पे 13। इसका मतलब ये टुकड़ा तो नहीं होगा। अगर ये टुकड़ा नहीं हो रहा, जैसे इसका किया आपने 2 का किया तो आपके पास 4 आ गए, और √3 का किया तो 3 और 4 3 7 7 तो नहीं है। इसका मतलब एक टुकड़ा और क्या हो सकता है, इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, इसको हम 1 लिख सकते हैं और 2√3 भी तो लिख सकते हैं। अगर हमने ऐसा लिखा तो 1 का वर्ग क्या होगा 1 होगा, और इसका वर्ग करें तो क्या होगा, 2√3 का हम वर्ग करें, जैसे 2
रूट तीन का अगर आप वर्ग कर रहे हो, इसका मतलब दो रूट तीन गुणा में दो रूट है तीन। अब दो को दो से गुणा किया कितना है चार, और रूट तीन को रूट तीन से गुणा किया कितना है तीन, अब कितना हो गया चार तीन बारह, आपके पास बारह हो गए। अर्थात इसका वर्ग करेंगे तो अपने पास कितने आएंगे बारह, और दोनों को जोड़ें तो कितना आ रहा है तेरह। इसका मतलब आपकी पुष्टि हो चुकी है। अब देखिए, अब मान बड़ा कौन सा है, आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है, तो बड़ी संख्या पहले लिखिए। आपने क्या कि ये मान तो मान्य नहीं है, क्योंकि इसमें तो क्या है चार और है तीन सात आ रहा है, इसका मतलब और भी टुकड़े हो सकते हैं। आप इसके कितने टुकड़े कर सकते हो, आप एक तो टुकड़ा दो तीन किया सात आया नहीं आया, फिर आपने किया एक कर दिया, एक आपने दो रूटे दो या दो रूट तीन किया, तो यहाँ पे हो गया बारह और एक तेरह। अब ये देखिए संख्या बड़ी ये है या ये है, बिल्कुल संख्या बड़ी आपके पास दो रूटे तीन ही है। अगर संख्या दो रूट तीन बड़ी है तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, तो आपका आंसर आ गया दो रूट तीन माइनस एक। अगर बाई द वे आपने ऐसा लिख दिया कि एक माइनस दो रूट तीन, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बात समझ में आई। अब देखिए धीरे धीरे क्वेश्चनों पे जाएंगे तो एक एक चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे आपको मैं है ना इस क्वेश्चन में सारे टुकड़े करने बताता हूँ, जैसे जैसे टुकड़े बनाओगे तो टुकड़ों से यहाँ पे डाटा चेंज हो जाएगी, उतने ही पर्सन बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये जो संख्या है वो ए प्लस बी है, और ये वाला जो मान है वो दो रूट ए बी है। फिर बताता हूँ ये कैसे लिखा आपने, आपने रूट ए प्लस अगर माइनस है तो हम माइनस कर देते हैं माइनस रूट ए बी का, अगर हम स्क्वायर करते हैं इसका होल स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया ए, क्योंकि भाई रूट ए का स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो हम जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। इसका मतलब आप इसका स्क्वायर करेंगे, फिर आप रूट बी का स्क्वायर करेंगे, और फिर आप माइनस का निशान लगाएंगे दो, फिर ए की जगह रूट ए और बी की जगह रूट बी। तो ए का रूट किया था एक रूट ए गुणा रूट ए, तो आपके पास आया ए, और रूट बी को बी से गुणा किया है आपका बी, और यहाँ पे लिख दिया दो रूट ए बी, वैसा ही जैसा हमने यहाँ पे लिखा वो का वो है। तो दिमाग में बैठा लो कि आपका ए प्लस बी और माइनस दो रूट ए बी आया। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें दो का भाग दे दो, दो का भाग देखते ही आपके पास ए रूट ए और रूट ए बी का गुणज बचेगा, वो कितना बचेगा आपके पास पांच रूट तीन। आपको इस संख्या में इस दो का भाग देना है, मेरी बात समझ में आ रही, यानी दस रूट तीन में आप दो का भाग दिए, दो का भाग देते आपके पास पांच रूट तीन बच गया। अब इस पांच रूट तीन के आपको टुकड़े करने हैं, और उन टुकड़ों का जब वर्ग करें आप, उन टुकड़ों का जो वर्ग किया जाए तो उनके वर्गों का जो योग आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 28। वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि भी ए कब आएगा जब रूट ए का स्क्वायर होगा, बी कब आएगा जब रूट ए बी का रूट बी का स्क्वायर होगा। तो आप लोग क्या करिए, इसके टुकड़े किए, दिमाग में आया सब टुकड़े कर लेते हैं। तो एक टुकड़ा आपके दिमाग में सबसे पहले तो यही आया कि रूट पांच और रूट तीन आया। अब पांच का वर्ग किया कितना है 25, और तीन का वर्ग किया कितना है तीन। अब पांच का वर्ग 25, वर्ग का मतलब समझ रहे हो, यानी पांच को पांच से गुणा, और तीन रूट तीन का वर्ग का मतलब है रूट तीन को रूट तीन से गुणा। जब आप पांच को पांच से गुणा करेंगे तो कितना है आपके पास 25 है, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा है 25 आ रहा है। और यहाँ पे इसका वर्ग किए, इसका वर्ग मतलब इसका स्क्वायर कर रहे हो आप, इसका स्क्वायर किए कितना है, दोनों का योग किया कितना है 28। इसका मतलब सही पुष्टि है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर चिन्ह यहाँ पे माइनस है तो बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में होनी चाहिए। तो आपका आंसर आ गया पांच माइनस रूट तीन, ये आपका आंसर आ गया। अगर ऐसा नहीं होता और ये 28 की जगह कुछ और होता तो यहाँ पे क्या हो सकता था, 76 हो सकता है, कितना हो सकता है 76। जैसे 76 होता तो कैसे करते, यहाँ 76 होता तो क्या उत्तर होता, अगर 76 होता तो यहाँ पे तो 28 बनते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे तो और क्या क्या टुकड़े बन सकते हैं, ये बात मैं समझाऊं इसी क्वेश्चन में, तो मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा, अपनी अपनी कॉपी में उतारते जाइए साथ साथ,
जैसे आपने एक टुकड़ा क्या किया कि एक टुकड़ा तो किया आपने ए और बी का 5 किया और रूटे 3 किया, 5 का 25, 3 का 3, 25 और 3 28, और यहां 28 हो रहा था। अगर यहां पे 28 है तो आपका उत्तर आ गया 5 - √3। अगर ऐसा नहीं है तो एक टुकड़ा और क्या बन सकता था भाई, एक लिख सकते हैं यहां पे और यहां पे 5 √3 कर सकते हैं। तो एक का तो एक हो गया, 5 का हो गया वर्ग 25 और √3 का हो गया 3 और 25 = 75 और 1 = 76, तो यहां पे क्या था 76। तो अगली डाटा यहां क्या हो सकती थी 76। अगर क्वेश्चन में 76 यहां पे है, यहां पे कितना है 76, तो आपका उत्तर बताइए। अब पहले ये संख्या आएगी या ये संख्या आएगी, तो सोचिए बड़ी ये है या ये है, बिल्कुल बड़ी 5 √3 है। अगर 5 √3 बड़ा है तो आपको क्या लिखना होगा यहां पे 5 - √3 - 1 लिखना होगा। किस क्वेश्चन के लिए आप इस क्वेश्चन के लिए लिखेंगे 76 - 10 √3। अगर इसका हमें वर्गमूल पूछता है तो इसका आंसर 5 √3 - 1 होगा। समझ में आ रहा है सभी को? अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जैसा कि मैंने अभी लिखा है 76 वाला, जैसे मैं अभी बता के गया हूं कि ये वाली जो डाटा 10 √3 है ये आपके पास 2 √ab के बराबर है और ये वाली जो डाटा है वो a + b के बराबर है, a + b के बराबर है। तो आप सबसे पहले √ab का मान निकालिए, √ab का, तो ab का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 2 का भाग दीजिए, इसमें 2 का भाग देते ही क्या आएगा 5 √3 आया। इसके बाद a और b के दो टुकड़े कर देंगे, √a का और √b का। अब √a और b के जब टुकड़े करेंगे तो आपके पास एक टुकड़ा क्या बनता है, एक आपको मैंने बताया अभी बताया था, जैसे 5 और √3 बना। अब 5 का वर्ग 25, जैसे 5 का कितना हुआ 25 और 3 का क्या हुआ √3 का वर्ग 5, 25 और 3 28, यहाँ पे 28 नहीं है, इसका मतलब ये मान मान्य नहीं होगा। अगला क्या कर सकते हैं, अगला मान लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, 5 √3 कर सकते हैं, एक का वर्ग 1 हो गया। और 5 √3 का जब वर्ग करें तो देखो दोस्तों ध्यान से सुनना, 5 √3 का जब हम वर्ग करें इसका मतलब 5 √3 × 5 √3 होगा। तो 5 को 5 से गुणा किया तो 25 आया, √3 को √3 से गुणा किया तो 3 आया, तो 25 = 75, तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास 75। क्या दोनों का योग 76 हो रहा है, 75 + 1 = 76 हो रहा है, इसका मतलब आपका आंसर आ गया। अब चिन्ह क्या है, बिल्कुल चिन्ह यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो पहले बड़ी संख्या लिखिए। अब बड़ी संख्या ये है या फिर ये है, बिल्कुल 5 √3 बड़ी है, तो 5 √3 - 1 आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो इसी प्रकार से क्वेश्चन देखिए, थोड़ा चेंज कर दिया। अभी देखिएगा, अगर हम बात करें तो ये क्या आ रहा है यहां पे, यहां क्या लिख सकते हैं, ये है ए 2 √ab है और ये आपके पास क्या है a + b है। आपने वही काम करना है और वही काम करोगे तो क्या लगाओगे 2 का भाग, और 2 का भाग लगाते ही आपके पास आ जाएगा √ab का मान, आपके पास आया 5 √3 आया, 5 √3। अब 5 √3 आए, मैं आपको जो सिखाने का प्रयास कर रहा हूं इसके टुकड़े जिसको करने आ गए उसके लिए कुछ भी नहीं है, पर्सन देखते ही उत्तर बताएगा सना। जैसे इसके टुकड़े करने हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या टुकड़े बन सकते हैं, अब देखिए इसके टुकड़े करके बता रहा हूं आपको क्या क्या बन सकता है। 5 √3 बन सकता है, 5 √3 हो तो 5 का 25, 3 का 3 और 25 और 3 क्या आता 28, जो बिल्कुल यहाँ पे 28 नहीं है। दूसरा टुकड़ा क्या बनता है, 1 बन गया, 5 √3 बन गया, अभी करके गए हो तो 1 का 1, 5 √3 का मतलब हुआ 25 या 75 और यहाँ पे 75 ये हो गया आपके पास, 1 ये हो गया तो 76 और यहाँ पे 5 का कितना हुआ था 25 और 3 का 3 और 25 और 3 कितने हुए थे 28, तो ये मान भी आपके पास मान्य नहीं है, मतलब ये टुकड़ा भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसका मतलब इसी में कहीं ना कहीं कृपा छुपी हुई है, देखिए वो कृपा को ढूंढते हैं कि कौन सी कृपा इसमें छुपी हुई है। तो बेटा आप लोग क्या कर सकते हो, इससे ज्यादा देखो आपने एक कर लिया, 5 और 3 को अलग कर दिया, तभी भी संभव नहीं था
आपने एक और पांच रूट तीन को भी अलग कर दिया तभी भी संभव नहीं हो रहा। तो मतलब कृपा कोई ना कोई बड़ी छुपी हुई है। आप ये देखिए, आपके पास पांच है तो पांच को क्या लिख सकते हो? पांच को लिख सकते हो रूट पांच गुणा में रूट पांच लिख सकते हो, इससे ज्यादा तो कुछ लिख नहीं सकते। अगर मैं इसको पांच रूट पांच लिखूं तो आपके पास दो टुकड़े बने। दो टुकड़े कौन से बन जाएंगे? एक तो बन सकता है रूट पांच और एक बन सकता है रूट पांच गुणा में रूट तीन आ गया, तो ये कितना हो गया आपका? पंद्रह। भाई क्या लिख सकते हो? रूट तीन को रूट पांच से जब गुणा करें तो रूट पंद्रह हो गया कि नहीं हो गया आपके पास? बताइए, समझ में आ रहा है? रूट पंद्रह होगा कि नहीं होगा? तो पंद्रह का जब हम वर्ग कहें, रूट पंद्रह का तो पंद्रह और पांच का वर्ग किए तो पांच, और पंद्रह पांच बीस, बिल्कुल आपका राइट क्या बनेगा? एक टुकड़ा बन गया रूट पांच और दूसरा बन गया पांच गुणा में तीन, तो यहां पे पंद्रह और पंद्रह पांच, इसका वर्ग करेंगे पंद्रह का। जब आप रूट पंद्रह का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? पंद्रह आएगा। जैसे रूट तीन का वर्ग किया तो क्या आया? दो। रूट तीन का तीन आया, रूट दो का किया तो रूट दो आया। तो यहां पे कितना है आपके पास? पांच, और यहां पे पंद्रह, पंद्रह पांच बीस। अब मुझे ये बताइए, अब इसमें बड़ा कौन सा है? रूट पांच बड़ा है या रूट तीन पांच पंद्रह रूट बड़ा है? तो आप बड़ा देखें, रूट में जो संख्या बड़ी होती है वो बड़ी होगी और जो छोटी होती है वो छोटी होगी। तो इसका आंसर यहां पे देखिए माइनस आ रहा है, तो उत्तर क्या होगा? रूट पंद्रह और माइनस रूट पांच। उत्तर को और भी चेंज कर सकते हैं, रूट पांच कॉमन ले सकते हैं। रूट पांच कॉमन लिए तो बच गया आपके पास रूट तीन और यहाँ पे माइनस एक, ये आपका राइट आंसर। रूट पांच माइनस नहीं, रूट पांच इंटू में रूट तीन माइनस एक, ये आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आ रहा सभी को? बिल्कुल। आगे देखिएगा, इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखिएगा, आपके पास ये संख्या है तो मैंने आपको क्या बताया है? मैंने कहा कि ये वाली जो डाटा है वो दो रूट ए बी के बराबर है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? रूट ए बी का मान निकालेंगे। रूट ए बी का मान निकालें तो दो का भाग दो। जैसे ही दो का भाग दिया तो यहाँ पे हो गए चार में दो का भाग दिया तो आपके पास दो और रूट है पैंतीस। अब इसके टुकड़े कर लें, अब इसके टुकड़े कर लें और उन दोनों टुकड़ों के वर्गों का योग, मतलब ये वाला जो मान है वो आपके पास ए और बी है। और ए और बी कब आ सकता है? जब रूट ए का मान अलग हो, रूट बी का मान अलग हो। रूट ए को वर्ग करेंगे ए आया और रूट बी का वर्ग किया तो बी आया। तो आप टुकड़े क्या कर सकते हो? आपके दिमाग में आया कि सर हम तो दो लिख दे, तो भाई आप कहोगे तो दिमाग में पहला विचार ये आएगा, चलो लिख दिया दो लिख दिया और रूटे पैंतीस। तो पैंतीस का तो वर्ग किया तो कितना आया? पैंतीस। और यहां पे दो का वर्ग कितना किया? चार। तो यहां पे पैंतीस से चार क्या होता? उनचालीस। अगर क्वेश्चन ये होता आपके पास उनचालीस माइनस चार रूट है पैंतीस होता, तो इस प्रश्न का उत्तर आपके पास हो जाता बड़ी संख्या रूट पैंतीस, क्योंकि भी छत्तीस का वर्गमूल क्या होता है? छह होता है। इसका मतलब छह से छोटी पांच से बड़ी है, तो इसका आंसर हो जाता रूट पैंतीस माइनस दो, आपका इसका आंसर हो जाता। अगर पर्सन ये न होकर के यहां उनचालीस होता तो ये तो उनचालीस तो नहीं है, तैतीस है। तो दिमाग में आया सर ऐसा तो नहीं होगा, हम ऐसा कर लेते हैं सर यहां पे एक मान ले, चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, एक मान लिया तो यहां पे क्या लिखूं? दो रूटे पैंतीस। तो दिमाग में आएगा सर इस एक का वर्ग तो एक होता है, बिल्कुल एक होता है। फिर आप कहोगे सर इस दो का वर्ग तो चार होता है और पैंतीस का पैंतीस ही होगा रूट पैंतीस का, और पैंतीस दूनी सत्तर और सत्तर एक सौ चालीस, यहां हो गए आपके पास एक सौ चालीस। एक सौ चालीस रे कितने हो गए? एक सौ इकतालीस। यहां एक सौ इकतालीस थोड़ी ना है। तो अगला प्रश्न फिर बन गया आपके लिए, अगला प्रश्न क्या बन गया? अगर यहां पे रूट एक सौ इकतालीस माइनस चार रूट पैंतीस होता तो आपका आंसर हो जाता, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, तब हो जाता दो रूट पैंतीस माइनस एक, इसका सही आंसर। पर ये भी नहीं है, देखिए आप पर्सन ही सोल्व नहीं कर रहे, पर्सन से आप अन्य पर्सन भी बनाना सीख रहे हैं, तो ये मान भी नहीं है। इसको भी हमने कट कर दिया, इसको भी कर दिया। इसका मतलब अब दिमाग में आएगा सर हमने दो पैंतीस को अलग लिख लिया तो भी नहीं आया,
हमने एक और दो रूट 35 लिख लिया तो भी नहीं आया, तो सर कहीं ना कहीं तो और छुपा हुआ है। तो साहब आप लोग क्या कर सकते हो, 35 को तो तोड़ ही सकते हो भाई, हम 35 को भी तोड़ सकते हैं, हम दो के भी तोड़ सकते हैं। तो दिमाग में आया शर्म दो को तो एक बार लिख लेते हैं, और इसके साथ से 35 को है ना, हम रूट 35 को लिख सकते हैं सर रूट 5 इंटू रूट 7, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर आप लिख सकते हो तो 5 इसके साथ लिख दो ना, रूट 5 और यहां पे लिख दिया रूट 7, बिल्कुल लिख दिया। अब इसका वर्ग करें, जैसे 7 का वर्ग किया तो कितना है, रूट 7 का किया तो 7, इसका वर्ग किया तो क्या, 2 का वर्ग किया 4 और गुणा किया तो 4 5 20 है ना, 4 5 20 हो गया। अब 20 और 7 कितने हो गए, 20 और 7 27 हो गए, और यहां पे 27 तो आपके पास नहीं है, इसका मतलब आपके पास एक पर्सन और बन गया, यानी यहां होता 27 माइनस 4 रूट 35 अगर होता तो इस पर्सन का उत्तर। अब आप देखिएगा इसमें बड़ी संख्या ये है या बड़ी है, ये बिल्कुल बड़ी संख्या ये होगी, क्योंकि देखो 2 तो यहां पे है और 4 का वर्ग देखें तो ये 2 से 2 दुनी 4, पर ये तो छोटा है, तो इसका उत्तर होगा 2√5 माइनस रूट 7, किसका, इस पर्सन का उत्तर हो गया, जबकि पर्सन हमने लिखा ही नहीं था, अपने आप ही बन गया। चलो हमारा ये भी नहीं होगा, यानी ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, अगला सोचें कि सर अगर 5 के साथ 2 के साथ हमने 5 नहीं लिखा तो क्या हम 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। अब रूट लिख दिया यहां पे और यहां पे लिख दिया आपने 5, अब यहां कितना हुआ आपका 5 हुआ, और यहां पे क्या हुआ 2 का वर्ग है, बिल्कुल 2 का वर्ग है 4, यानी 2√7 को हम क्या लिख सकते हैं वर्ग में, 2 का वर्ग किया तो 4 और 7 का किया तो 7, 7 चौके 28, यानी 28 आ गया, और 28 और 5 कितने होते हैं 33, बिल्कुल 33 आंसर आ गया। अब क्या रहा है, अब आंसर देखिए बड़ा कौन सा होगा, बड़ा मान तो ये होगा, इसका मतलब 2√7 माइनस रूट 5 आपका सही आंसर है। दोस्तों आजकल एक प्रचलन चल रहा है राजस्थान में, राजस्थान की जैसे ही भर्तियां होती है, जैसे पशु परिचर का भर्ती होनी है, आगे बहुत से एग्जाम होने, तो कई बार मैथ्स में ऐसे होते हैं कि मैथ्स में क्वेश्चन नहीं आ रहा, अगर मैथ्स में क्वेश्चन नहीं होता तो बच्चों की एक शिकायत होती है, सर पेपर नहीं आया, पेपर में हार्ड क्वेश्चन आ गया, तो एक ही बहाना है, क्या कहते हैं, सर सीजे लेवल का आ गया। वही बात है कि राजस्थान जीके में कोई क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, पढ़ा हुआ नहीं आता, सर आरएस लेवल का आ गया। इंडिया जीके में अगर हम बात करें, इंडिया जीके में कोई क्वेश्चन आ गया और आने के बाद पूछा कि सर ये क्वेश्चन तो हमें नहीं आ रहा, आईएएस लेवल का है। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपको नॉलेज में नहीं था इसलिए आप ऐसा कह रहे हो, तो बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एक एक चीजें अगर आप सीखते जा रहे हो तो इजी है, एग्जाम कोई भी हार्ड नहीं है। तो दोस्तों ये बात शायद आपको समझ में आई होगी, जैसे एक बात और ले लेते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन है, ऐसा अपन पहले भी कर चुके हैं, तो आगे के क्वेश्चनों में जैसे आपके पशु परिचर में एक बात दी गई है कि गणितीय अभियोग्यता होगी, मैथ्स का लेवल होगा, तो दोस्तों मैथ्स जो आएगी उसका क्या स्टैंडर्ड रहेगा ये तो किसी ने निर्धारित नहीं किया, पर हमारा मानना है कि कुछ ऐसे फैक्ट नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे जिनको गलती करने की संभावना होती है। तो हम क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे, जैसे जितने भी ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी को हम छोटी छोटी जो बार की आप गलती करते हो, ऐसा क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हो, नहीं छोड़ना है, कोई सीजीएल का बहाना नहीं चलेगा। तो दोस्तों कल अपन नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, उसके लिए इंतजार करिए, थैंक यू, धन्यवाद।